मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस स्वाति सतीश ने हाल ही में अपनी रूट कैनल सर्जरी कराई है। सर्जरी कराना उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया क्योंकि सर्जरी के बाद उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया। इन सब के लिए उन्होंने अपने डॉक्टर और डॉक्टर के दिए गए गलत ट्रीटमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इनके ट्रीटमेंट के दौरान एनेस्थीसिया की जगह सैलिसिलिक एसिड का यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर सूजन आनी शुरू हो गई। डॉक्टर से कॉन्टैक्ट के दौरान डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में इनकी सूजन ठीक हो जाएगी, पर 3 हफ्ते वेट करने के बाद भी इनका चेहरा ठीक नहीं हुआ। जब स्वाति सतीश के कुछ फोटो लीक हुए तो उनमें देखने में वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। उनका जो चेहरा था वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदल गया था और काफ़ी ज़्यादा बुरा दिखाई दे रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी क्या स्वाति कभी ठीक हो पाएंगी, और जो डॉक्टर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनका ऐसा हाल हुआ है, क्या डॉक्टर के ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन काजल के साथ मैं दीवांशु शर्मा, ACP नेटवर्क।